ट्रंप ने किया 20 लाख कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा, बोले जल्द शुरू होगा इसका इस्तेमाल। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है और जल्द इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने जानकारी दी, वैक्सीन पर कल हमारी बैठक हुई थी, हम अतुलनीय काम कर रहे हैं और हमें कुछ बेहद पॉजिटिव सरप्राइज भी मिलेंगे। वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को लेकर भी तैयारियां कर रहे हैं। अमेरिका ने अब तक 20 लाख वैक्सीन बना ली है और सुरक्षित होने की बात सुनिश्चित होने के बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के कई देश इसके लिए प्रयासरत हैं। भारत समेत कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और कई जगहों से सकारात्मक खबरें भी आ रही हैं। तो क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने बना ली है 20 लाख वैक्सीन और जल्द ही लोगों के बीच आ जाएगा? वैक्सीन को लेकर बहुत प्रगति हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर ये वैक्सीन सुरक्षा जांच को पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा डोज तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के 186 देश प्रभावित हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं, हम चीन के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कोविड-19 के लिए टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा था अमेरिकी सरकार रेमडेसिविर दवा के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रही है, इस दवा ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में अच्छे नतीजे दिए हैं। पैच ट्रंप ने एक निजी चैनल के द्वारा प्रायोजित टीवी पर प्रसारित टाउन हॉल के दौरान विचार रविवार में यह बात कही। ट्रंप ने कोविड-19 से स्वस्थ हुए नेब्रास्का के एक व्यक्ति के सवाल का यह कहकर जवाब दिया कि मेरे विचार में इस साल के अंत तक हमें टीका प्राप्त हो जाएगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।